चैनल पर सभी नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड कंपनियों के बारे में सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं वेस्टिज की कुछ माइनस पॉइंट बताने वाले। दोस्तों, बहुत सारे लीडर आपको ये कहते हैं, अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी कि वेस्टिज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, वेस्टिज में कैसे काम करें। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेस्टिज को क्यों छोड़े, कि वेस्टिज को क्विट क्यों करें। आज एक रीजन देने वाला हूँ, पांच ऐसे कारण देने वाला हूँ, पांच ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि वेस्टिज को क्यों छोड़े। अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो आपको इस कारण से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद है। तो बिना किसी समय वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आज के समय में लोगों को कन्वेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बढ़िया है। दोस्तों, लोगों को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। लोग मानते ही नहीं, लोग हंसते हैं। अगर बाहर हंस नहीं रहे तो अंदर ही अंदर मन मन में हंसेंगे आपको देख के कि यार आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले के समय में नेटवर्क मार्केटिंग काफी चलती थी दोस्तों, पर जब से सोशल मीडिया का जमाना है सभी को पता लग गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रखा है, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई कंपनी आती है और भागती बहुत सारी कंपनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कन्वेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है दोस्तों। अगर आप अपना समय वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लो, घरों में जा जाकर कुंडे खड़का के अगर आप वहां पे समय वेस्ट करना चाहते हैं करते रहो, फर्क क्या पड़ता है, समय उसका वेस्ट हो रहा है, आपका भी समय वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट यही है कि आप वेस्टिज कंपनी कर लो या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी कर लो, आपका समय वेस्ट है, कन्वेंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी वो हाँ बोल देगा, ठीक है, वो बोल देगा हाँ चलो परचेजिंग कर लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, करेगा नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, लोग ज्वाइन तो करते हैं पर सामान नहीं लेते। ये दोस्तों बिल्कुल 100% रियल है, बहुत सारे लोग यही कहते हैं। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन करना है या कर लिया है, वो अपने अपलाइन से एक बार ये जरूर पूछता है कि लोग कहते हैं कि ज्वाइन तो कर लेते हैं पर सामान नहीं लेते, मतलब कि फ्री में आईडी लग जाती है पर सामान नहीं लेते, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, ये 100% रियल है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप वेस्टिज के अंदर है, तो यहाँ पर आटा दाल चावल चीनी लेना कहना आसान तो है पर सामान परचेज नहीं करता कोई भी, ये चीज रियल है। एक बार आपके कहने से शॉपिंग कर सकते हैं। मान लो आपकी फेस वैल्यू है, आपने उसको कहा कि मेरे दोस्त मेरे भाई एक बार सामान ले ले मेरे कारण 200 400 500 रुपए की आईडी लग जाती है, वो ले लेगा सामान 200 400 500 रुपए खर्च कर एक बार वो आपके कहने से सामान ले लेगा पर उसके बाद सामान नहीं लेने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर लोग फ्री में आइडिया लगा लेंगे, आपकी फेस वैल्यू कारण आइडिया लगा लेंगे पर सामान नहीं लेंगे। नंबर तीन पॉइंट दोस्तों, रीपर्चेज। बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलेंगे आपको कि पहली बार सामान ले लेते हैं, कुछ ना कुछ लोग ले लेते हैं पहली बार फेस वैल्यू कारण। अगर आपने किसी को कहा है कि मेरे दोस्त है मेरा भाई मेरे कारण एक बार शॉपिंग कर ले मेरे कहने से, तो एक बार तो शॉपिंग कर लेगा पर उसके बाद वो रीपर्चेज नहीं करेगा दोस्तों। देखो, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एक किराने की दुकान खोल लो इससे अच्छा, एक किराने की दुकान या फिर वेस्टिज का स्टोर खोलना या फिर वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर बनना या वेस्टिज कंपनी, मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, आप लीडर हो। तो अगर एक किराने की दुकान, इसमें बेनिफिट क्या है, लोग इसमें अपने आप जाएंगे क्योंकि ये शॉप है, एक बार शॉपिंग करेंगे दो बार शॉपिंग करेंगे, जब तक है लाइफ तब तक शॉपिंग करेंगे, पर इसमें सिर्फ एक बार आपके फेस वैल्यू कारण ज्वाइन करेंगे, ठीक है। वेस्टिज में जो वेस्टिज है बिल्कुल ही, एक बार आपके फेस वैल्यू कारण लोग ज्वाइन कर लेंगे सामान ले लेंगे पर अगली बार रीपर्चेज नहीं करेंगे। अगर आप बार बार कहते रहेंगे, अपनी व्हीकल का पेट्रोल खर्च करेंगे 400 500 रुपए का, अगर आप महीने में 8-10 हज़ार रुपए का जब पेट्रोल खर्च करेंगे तब जाके आपकी रीपर्चेज होगी दोस्तों। अब चौथा पॉइंट कौन सा है दोस्तों, चौथा पॉइंट है रेट बहुत ज्यादा महंगा है। ये 100% रियल है दोस्तों। कहने को आटा दाल चावल चीनी प्रोडक्ट FMCG के प्रोडक्ट तो कह देते हैं कि जो हमारी दिनचर्या वाले लॉकडाउन में कह कह कर बातें मारते थे वेस्टिज वाले बंदे कि भाई लॉकडाउन में एक ही काम सबसे ज्यादा चला वो है FMCG का, पर FMCG का तो चला पर वेस्टिज का FMCG का थोड़ी ना चला, पता नहीं कहां से लिंक जोड़ देते हैं लोग अपने आप ही। दोस्तों, मैं आपको रियल बता रहा हूं, FMCG के प्रोडक्ट तो हैं पर एक्चुअल में उसका प्राइस बहुत ज्यादा महंगा है, डबल रेट का है, ठीक है। लॉयल्टी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको बांध के रख देंगे और रेट इतने ज्यादा महंगे है ना, मैं आपको क्या बताऊं। जहां पर एक नॉर्मल पेस्ट 40 रुपए की आ जाती है, ये आपको 75 या 80 रुपए की पेस्ट देंगे। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास जो पर्सन होता है ना, उसके जो पैसे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, उसके पैसे आने से पहले ही निकल जाते हैं। अगर उसकी सैलरी 15,000 20,000 है
तो उसके खर्चे पहले से उसको पता होता है कि कहाँ कहाँ हमने लगाने हैं। तो दोस्तों आज की महंगाई के समय में इतनी ज़्यादा महंगाई है, फिर ऊपर से वेस्टेज वाले इतने ज़्यादा रेट कर रहे हैं, वो भी सही है क्योंकि उनको पैसा डिवाइड करना है, पर ये रियल है कि रेट महंगे हैं और सभी लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि रेट महंगे हैं। यही माइनस पॉइंट है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसका रेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं हर प्रोडक्ट की। कुछ ना कुछ एक दो प्रोडक्ट होंगे जिसका कम कर देंगे प्राइस या बिल्कुल ही कम है, उसकी क्वालिटी भी घटिया होगी, रियल बात है। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट। दोस्तों एक नॉर्मल पर्सन जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, ठीक है, एक मिडिल क्लास पर्सन या दुनिया में कोई भी पर्सन है, वो सिर्फ इनकम के लिए है। लोग सुबह से लेकर रात तक इधर से उधर भाग रहे हैं, वो किसके लिए भाग रहे हैं दोस्तों? वो भाग रहे इनकम के लिए। अब इसके अंदर आपको 2-3 लाख रुपए में LOB बनानी पड़ेगी। जो इस बिजनेस को जानता है उसको पता है LOB क्या है। जैसे मोदी केयर में LPB लैग होती है, मतलब 2 लाख रुपए एक लाइन में लाने, लाइंस होती है ना, एक लैग, दूसरे लैग, तीसरे लैग, तो यहाँ पे LOB होती है। यहाँ पर आपको 2-2.5 लाख रुपए की शॉपिंग चढ़ानी पड़ेगी एक लेग में, फिर साइड से क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों 2-2.5-3 लाख रुपए की शॉपिंग करने के बाद आपको चेक आएगा 2-3 हजार रुपए का। तो 2-3 हजार रुपए में क्या हमारे घर का खर्चा चल सकता है? 2-3 हजार रुपए क्या इनफ है? नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना चाहिए वेस्टेज वालों को, भाई इनकम तो बढ़ा दो, इनकम नहीं है तो क्या होगा, इतने का तो खाली रिचार्ज ही आते हैं 2-3 हजार रुपए के आजकल के समय में। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों, आप भी समझे और मैं तो समझ गया हूँ, तभी इस नेटवर्क मार्केटिंग के मायाजाल से बाहर आ चुका हूँ। मैंने काफ़ी समय हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, सारा कुछ समझने के बाद तभी आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिससे आपको वेस्टेज कंपनी नहीं करनी चाहिए। अगर कर रहे हैं तो टाइम सर छोड़ दीजिए, टाइम सर ट्वीट कर दीजिए इस नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज कंपनी को। दोस्तों ये थे वेस्टेज कंपनी के 5 ऐसे पॉइंट जिससे आपको पता लगता है कि वेस्टेज कंपनी कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी और कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में।